नमस्कार दोस्तों, मैं ताली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं Oppo A15 के बारे में, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और मैंने इसे यूज़ किया है। जैसे मैं खरीद कर आया हूँ, मैंने इसे यूज़ किया, कैसा लगा चलाने में, मुझे इस प्राइस रेट में क्या सही है या फिर इससे अच्छे और फीचर होने चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये Oppo A15 है, ये 10,000 का है, 3 GB वाला वेरिएंट है। तो चलिए बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैंने पहले यूज़ कर रखा है, कितने देर में फ़ोन फुल चार्ज होता है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए चलिए बॉक्स को खोलते हैं। तो इसमें पहले आपको ये मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, कुछ ई वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं और ये इसका कवर, इसको भी साइड में रखते हैं। फिर ये आता है फ़ोन, जिसका केस मैंने इसमें लगा रखा है। इसका केस इस पे रखा हुआ, इस चीज़ में आता है, इस चीज़ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लुक है, कुछ ऐसा है देखने में। यहाँ पे Oppo की ब्रांडिंग है और ये 3 कैमरे हैं, एक फ्लैश है, फिंगरप्रिंट है और ये इसकी डिस्प्ले है। और ये देख सकते हैं आप, फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है, तुरंत खुल जा रहा है, देखो मैं लगाता हूँ, तुरंत खुल जा रहा है। तो चलिए इसके देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें Android 10 आता है, मैं आपको सेटिंग में ले जाके दिखाता हूँ। इसमें हमें आना है अबाउट फ़ोन में, तो आप अबाउट फ़ोन में देख सकते हो Oppo A15, ठीक है। एक मिनट मैं आपको सही से दिखा दूँ। हाँ, Oppo A15 है, Android 10 है और 3 GB रैम है इसमें। यारो मुझे ना मैंने तो पूरा चला के देख रखा है, तो आपको मैं बताता हूँ। इसमें 4000 कुछ mAh की बैटरी है जो इसमें दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। डब्बे के ऊपर हाईलाइट है, यार किस पे हाईलाइट था, अच्छा इस पे हाईलाइट है, देख सकते हो आप। इसमें हाईलाइट है, ट्रिपल कैमरा, 4230 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट, 6.52 इंच की डिस्प्ले है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जिस प्राइस रेट पे ये आ रहा है ये फ़ोन, तो इसमें मैं आपको इसका प्रोसेसर जो है वो MediaTek P35 आता है, जो इस फ़ोन का प्राइस यार 10,000 रुपये, ठीक है। Oppo का फ़ोन है। तो यार इसका कैमरा जो है मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मैंने कुछ सैम्पल्स क्लिक किए हैं, तो इसके कुछ सैम्पल्स है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इसका सैम्पल्स है, आप देख सकते हैं आगे के कैमरे का, कोई ख़ास नहीं है। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है इसमें आपको कोई फास्ट चार्जर का सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलती है, ये नॉर्मल USB केबल मिलती है आपको, और ये 5V 2A का चार्जर मिलता है जो नॉर्मल चार्जर है। 10W का चार्जर है ये। कोई मतलब कोई ज़्यादा अच्छा, मतलब इस प्राइस रेट पे मेरे अनुसार फ़ोन जो है और थोड़ा कॉस्टली है, तो भाई अच्छा भी होना चाहिए। बट इसमें डिस्प्ले इसकी अच्छी है और क्या अच्छा है इसमें, क्या बता सकता हूँ। बैटरी अच्छी है और प्रोसेसर भी नॉर्मली है, कोई ख़ास नहीं है। कैमरा पीछे ट्रिपल दिखा रखा है, बट ये जो 2 कैमरे हैं सोचे चिपका रखे हैं, 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, एक 13 MP का है। तो अगर हम इसे MI के फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो मतलब बहुत ही यार कम होता है, इतना अच्छा नहीं है। बट अब जिसके पास है वो तो मुझे गुस्सा दिखाएंगे, हैं ऐसे बोल रहा है मतलब हमारे फ़ोन को। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप C15 ले सकते हैं इसकी जगह। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आप देख सकते हो यार कोई मतलब ख़ास फ़ोन नहीं है। इतना प्राइस रेट पे आप MI के अगर फ़ोन लेंगे तो वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। बस इसमें Android 10 है, उनमें भी Android 10 होता है। बस यही चीज़ें थी आपको बताना था। इसमें देखो अच्छा ही बता देता हूँ आपको, इसमें अच्छा ही ये है कि बड़ी बैटरी है और डिस्प्ले बड़ी है, और बस मैं 2 ही चीज़ अच्छा बता रहा हूँ। और नॉर्मल चार्जिंग है, बहुत अच्छा चल जाता है और 2 घंटे के लगभग में ये चार्ज होता है। और आप बात करें इसके कैमरे की, तो देखो मैं इसके कैमरे से खुश नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे वो बात अलग है, बट इसमें जिस प्राइस रेट पे आता है ना Oppo का फ़ोन, तो इसको कम से कम अभी 7 या 8 हज़ार का होना चाहिए, बट ये 10 हज़ार का 3 GB वाला वेरिएंट है। अगर आप लेना चाहते हैं ओप्पो का ही फ़ोन पेरेंट्स के लिए तो ले सकते हैं, आप अगर हाई गेमिंग करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको पेरेंट्स के लेना है तो ले सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने फ़ोन के बारे में सब कुछ पता। देखो ये जो फ़ोन है ना यारों, इतना बड़ा बस देखने के लिए है, ठीक है। इसके अंदर आप जितना आप पैसा दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी उतना अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन बेकार है, अब जिसने खरीद लिया, बट मैं अपने ओपिनियंस बता रहा हूँ कि इस प्राइस रेट में इससे अच्छा मिल सकता है। अगर आपको ओप्पो का ही चाहिए पेरेंट्स के लिए अंडर 10,000 तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C15 भी ले सकते हो आप। इसमें ये बताया कि अगर जो इसे लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसमें कैमरे दे रखे हैं 3, बट 2 कैमरे कोई काम के ही नहीं है यार। 2 मेगापिक्सल क्या कर लेते हैं। आगे 13 का है, वो भी इतना बेटर नहीं है। आप MI के फ़ोन से कंपेयर करो, मज़ा नहीं आएगा यार। और आगे 5 MP का है, तो ये मैं कहूँगा ठीक ही ठाक है, ज़्यादा वो नहीं है। फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको पीछे में, और माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है, और स्पीकर मिल जाता है, और 3.7 mm की जैक मिल जाती है। पेरेंट्स के लिए फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि उन्हें कौन सा PUBG खेलना है यार। PUBG वैसे कमबैक बहुत जल्दी आने वाली है। तो बस यही चीज़ें थी इसमें। हो सके तो मैं आपको Oppo A53 की अनबॉक्सिंग अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।